फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण और उनके द्वारा जो स्टेप्स उठाए गए हैं इकोनॉमी को सुधारने के लिए, उसके बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करने के लिए आया हूं। जैसे कि आपको पता है कि ये साल अब इलेक्शन का साल था, मई में इलेक्शन हुए, अप्रैल मई में इलेक्शन हुए, तो उससे पहले फरवरी में, 1 फरवरी को गवर्नमेंट ने अपना वोट ऑफ अकाउंट लाई, क्योंकि जब भी इलेक्शन का साल होता है तो वोट ऑफ अकाउंट आता है 4 महीने के लिए और उसके बाद जो बजट, उसके बाद बजट बनता है, नई गवर्नमेंट बनाती है बजट। 5 जुलाई को, 31 मई को गवर्नमेंट ने नई गवर्नमेंट शपथ ली और 5 जुलाई को नया बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण ने, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, इंदिरा गांधी के बाद दूसरी वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर बनी। पिछले 3 महीने में ये जो जून का क्वार्टर है, इकोनॉमी पूरी तरह शटर्ड हो गई, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया और ये जो डाउन होते होते 5% पर आ गई ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट। ऑटोमोबाइल सेक्टर, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, सारे के सारे सेक्टर बुरी तरह डाउन में आ गए। अभी कल गवर्नमेंट ने, इसे कहते हैं कि लकी फ्राइडे, गुड लकी फ्राइडे, हैप्पी फ्राइडे फॉर इंडियन इकोनॉमी, ये पिछले 3 बार से ऐसा किया गया। जन्माष्टमी से पहले जो फ्राइडे पड़ा, उसके बाद 31 अगस्त को जो फ्राइडे पड़ा, 30 अगस्त को, और उसके बाद फिर अब ये फ्राइडे पड़ा। तो एक तरह से जो बजट 5 जुलाई को आया था गवर्नमेंट का, वो सारे के सारे काफ़ी जो बजट के प्रोविजंस को उनको वापस ले लिया। पहले उसमें रियल एस्टेट को थोड़ा वो दिया गया, रिलीफ दिया गया, दूसरे में बैंकों वगैरह को थोड़ा सा रिलीफ दिया गया और अब थोड़ा इन्होंने ये कॉरपोरेट सेक्टर को रिलीफ दिया, जिसमें कि कॉरपोरेट जो टैक्स था, जो 30% था, वो 22% कर दिया गया। इससे जो ये कॉरपोरेट टैक्स कम करने से गवर्नमेंट को तकरीबन 1,45,000 करोड़ का लॉस होगा। जैसे कि आप सबको मालूम है, पिछले एक इस क्वार्टर में तकरीबन 30,000 करोड़ के करीब जो फॉरेन शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट था फॉरेन इन्वेस्टर्स का, वो वापस ले गए पैसे, जिससे कि शेयर मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुई, तकरीबन 8-10% क्रैश हो गई और पूरी शेयर मार्केट में पूरी तरह हाहाकार समझ गया। एक लाख पैंतालीस हजार करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने सिर्फ एक तरह से कॉरपोरेट को रिलीफ देने के लिए ही दिया, जिससे शेयर मार्केट रुक गई। गवर्नमेंट ने कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया कि जो जो परचेजिंग पावर है जो आम पब्लिक की, जो बढ़ सके, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कंपनी ने किया वो सारा का सारा मार्केट में कंज्यूम हो सके, वो कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गवर्नमेंट को। हालांकि स्टेप्स तो ये लेना चाहिए था कि जो विलेजेस और अर्बन एरियाज हैं, इसमें जो स्टेप्स ऐसे उठाने चाहिए थे कि जो पब्लिक की परचेजिंग पावर बढ़े। अब ये, लेकिन ऐसा स्टेप नहीं लिया गया। सभी को मालूम है कि अभी एक रिपोर्ट आई थी हिंदू में, अखबार में, पिछले अगस्त में, कि नोटबंदी के बाद 17-18 उसमें फाइनेंशियल ईयर में जो इंडियन कॉरपोरेट्स का है इन्वेस्टमेंट, वो तकरीबन 60% उन्होंने कट कर दिया। नोटबंदी और फिर ये जीएसटी की वजह से तो इंडियन इकोनॉमी की हालत इतनी ज़्यादा डाउन में है कि गवर्नमेंट को अभी और भी स्टेप लेने हैं।
हालांकि इनके पास 176,000 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक से मिल गया है, लेकिन उसको ये इस तरह से ये लगाएं पैसा कि जो पब्लिक की परचेजिंग पावर बढ़ सके, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सके। लेकिन इन्होंने तो सिर्फ एक कॉरपोरेट सेक्टर को दे दिया, क्योंकि कल ये मोदी जी वहाँ पे जा रहे हैं अमेरिका में अपना हाउडी मोदी अपना भाषण दे रहे हैं इनको ह्यूस्टन में। आप भी जानते हैं हाउडी अमेरिका में एक पॉपुलर वर्ड है, हाउ डू डू, आप कैसे हैं। तो हाउडी मोदी के नाम से एक इवेंट मैनेज करने के लिए ये एक नया तमाशा शुरू किया गवर्नमेंट ने, शेयर मार्केट को उठाने के लिए। और अपना वहाँ पे जो इनके आरएसएस के वे हैं पहले से पहले ही पहुँचा दिए हैं सारे के सारे वर्कर जो अपना ह्यूस्टन में, अभी आप देखेंगे कल संडे को अपना ये तमाशा शुरू होगा। तो ये तो भारत के मोदी साहब हैं, इनकी नौटंकियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी, इकोनॉमी का सत्यानाश ही होगा, इकोनॉमी को ये उभार नहीं सकते। इनको ये भी पता है कि अभी आपको मालूम होगा सुब्रमण्यम स्वामी हैं जो इनके सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, उन्होंने खुद कहा कि अगर जो दूसरा क्वार्टर भी डाउनफॉल में आ गया तो पब्लिक इनके खिलाफ पूरी तरह से आ जाएगी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो गवर्नमेंट को स्टेप ले। तो ये सिनारियो है उसका, हालांकि गवर्नमेंट ने स्टेप लिया सिर्फ एक शेयर मार्केट को उभारने के लिए, कॉर्पोरेट्स को थोड़ा रिलीफ देने के लिए। हालांकि करना तो ये चाहिए था कि पब्लिक की परचेजिंग पावर कैसे बढ़े, उस पर कुछ स्टेप लेने चाहिए थे विलेजेस में और अर्बन एरियाज में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस सिर्फ अपनी इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए ह्यूस्टन में। अब कल अपना इनका मोदी जी का ज़बरदस्त भाषण होगा वहाँ, आरएसएस के पहले से पहले ही वो जो रैली है वो की जा रही है, जिसमें ट्रंप साहब भी आएंगे। पहले तो यहाँ इंडिया में रैली हुआ करती थी, मोदी पिछले 6-5 साल से कभी अमेरिका में करें, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यहाँ पे इंग्लैंड में, भाई रैलियाँ बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, जिससे कि अपने के इवेंट मैनेजमेंट बहुत बढ़ी जाए, कि इनकी अपना वर्ल्ड लेवल की इमेज बढ़े। सभी जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से बिल्कुल रसातल में पहुँचाने वाले हमारे ये गवर्नमेंट आई हुई है। गवर्नमेंट को सीरियस स्टेप ले गवर्नमेंट, जिससे कि इकोनॉमी वाकई जूम करे। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें।